जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री नरसिंह भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री नरसिंह जयंती की परम पावन कथा, भगवान श्री नरसिंह जी के अवतार की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री नरसिंह जी का अवतार प्रहलाद भक्त की रक्षा के लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान श्री नरसिंह जी का इस धरती पर अवतार हुआ था। तो इस वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 मई दिन मंगलवार को है। 25 मई दिन मंगलवार को भगवान श्री नरसिंह जी की जयंती है। भगवान श्री नरसिंह जी श्री हरि विष्णु भगवान के चौथे अवतार हैं। भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह जी के रूप में अवतार लिया था। जिस प्रकार भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान श्री सिया राम जी की पूजा उपासना की जाती है, भगवान श्री गौरी शंकर जी की पूजा उपासना की जाती है, ठीक ऐसे ही माँ लक्ष्मी और नरसिंह भगवान की पूजा की जाती है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री नरसिंह भगवान के अवतार की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है। तो प्राचीन काल की बात है, भगवान के दो द्वारपाल थे। वैकुंठ लोक में दो द्वारपाल भगवान के जय और विजय के नाम से हुए हैं। सनत कुमार आदि चारों भाइयों द्वारा दोनों को श्राप मिला है और उस श्राप के कारण दोनों का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में इस धरती पर जन्म हुआ है। दोनों ने असुर योनि में जन्म लिया है। तो उस समय उन दोनों ने ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को सताना शुरू किया है। सारे उनसे दुखी हो गए। समय आने पर श्री हरि विष्णु भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष दैत्य का वध कर दिया। उसके पश्चात हिरण्यकश्यपु भगवान से द्वेष भाव रखने लगा। उस समय हिरण्यकश्यपु ने मन में सोचा है कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। लेकिन मैं अब पहले ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि जिससे मैं कभी नहीं मर सकूं। उसके पश्चात श्री नारायण जी का सामना करके उन्हें युद्ध में मार डालूंगा। ऐसा विचार करके आज हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की है। तपस्या के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ने लगा है कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं के पास उसकी ज्वाला पहुंची, उस समय सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा है कि हे महाराज, हे ब्रह्मा जी, हिरण्यकश्यपु के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर उसकी तपस्या छुड़वाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यपु आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी, भृगु आदि ऋषिशुनों को साथ लेकर हिरण्यकश्यपु के पास गए हैं और उस समय उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा है कि हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। तेरे सिवा दूसरा कोई ऐसा तप नहीं कर सकता, अतः तुझे जिस वरदान की इच्छा हो सो मांग लो। यह कहकर ब्रह्मा जी ने कमंडलू का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। तो उस समय तपस्या के कारण जो उसका शरीर सूख कर अस्थि मात्र रह गया था, वो पुनः पहले की तरह हो गया। तब हिरण्यकश्यपु ने दंडवत और स्तुति करके ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा है कि हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब आपकी उपासना करते हैं। इस समय मैं केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव, जड़ या चैतन्य, देवता या असुर या कोई मनुष्य आदि मुझे ना मार सके। मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना पृथ्वी पर, ना आकाश में मरूं, ना शस्त्र से मरूं और ना अस्त्र से मरूं। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। योग और तपस्या करने से ऐसी सिद्धि मुझको हो जाए, मैं देवता, राक्षस और मनुष्यों सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम ना हो, ऐसा वरदान आप मुझको दे दीजिए।
उस समय ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया है कि अगर इसको ऐसा वरदान देता हूँ तो ये सबको कष्ट पहुँचाएगा, लेकिन फिर ये सोचा है कि इस समय तो इसकी तपस्या छुड़वानी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी ने उसको कहा है कि हे हिरण्यकश्यपु, तूने बड़ी भारी तपस्या की है, लेकिन जो तूने वरदान मांगा है वो वरदान देना बड़ा असंभव है, लेकिन फिर भी तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने वो वरदान तुझको दे दिया है। इतना सुनकर हिरण्यकश्यपु आज बड़ा प्रसन्न हुआ है। वरदान पाने के बाद हिरण्यकश्यपु ने अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषिवर, तपस्वी, भूत, प्रेत, पिशाच सब पर अपना अधिकार जमा लिया। तीनों लोकों का राज्य करने लगा है। देवलोक का राज्य भी हिरण्यकश्यपु ने छीन लिया। उस समय सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास से जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, हिरण्यकश्यपु दिन रात हमारे प्राणों के पीछे पड़ा रहता है। सब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से श्री नारायण भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, अब तो आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु ने सबको बड़ा दुखी किया हुआ है। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि हिरण्यकश्यपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका, जब प्रहलाद भक्त को वह दुख देगा उस समय मैं उसको मारूंगा। यह आकाशवाणी सुनकर सभी देवता एक पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गए। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र हुए हैं। तीन बालक तो दैत्य कर्म करते थे, लेकिन चौथे पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति में आनंद मिलता था। वो सदा संत महात्माओं की सेवा करता था और सदा हरि भजन करता रहता था। उसका मन सदा भगवान के चरणों में लीन रहता था, लेकिन हिरण्यकश्यपु उसकी इस भक्ति भावना के विरुद्ध था। वो बार बार अपने पुत्र प्रहलाद को यही समझाता था कि तुम असुर कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए असुर होने के कारण तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कभी भी अपने पिता की बातों को नहीं माना। इसके पश्चात हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गुरु महाराज के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यपु ने मन में ये सोचा है कि अगर ये कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा तो इसका भगवान की भक्ति से मन हट जाएगा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते थे। उनका मन भक्ति से हट ही नहीं सकता था। उन्होंने तो अपने गुरु आश्रम में जाकर बाकी सब बालकों को भी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगा दिया। सभी बालक प्रहलाद जी महाराज के भक्तिमय वचन सुनकर प्रसन्न होते थे, लेकिन जब प्रहलाद जी महाराज के गुरु महाराज शुक्राचार्य के दोनों पुत्रों शंड और अमरक को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यपु से इस बात को कहा है, और उस समय हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बड़ा डांटा है। बार बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को एक बात समझाई है कि तू भगवान की भक्ति करना छोड़ दे, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। लेकिन प्रहलाद ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया है कि हे भगवान, मैं तो आपकी भक्ति करता रहूंगा। और ठीक यही वचन आज अपने पिताजी को प्रहलाद ने कहे हैं कि हे पिताश्री, मैं तो भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ सकता, आप भी भगवान की भक्ति कीजिए, क्योंकि भगवान ही त्रिलोकी के स्वामी हैं। इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया है। उसने प्रहलाद का वध करने के लिए बार बार कोशिश की है, कभी उसको पहाड़ की चोटी से नीचे गिराया है, कभी सांपों द्वारा डसवाया है, कभी अग्नि में जलाकर प्रहलाद को मारना चाहा, लेकिन भगवान ने हर समय प्रहलाद की रक्षा की है। और एक समय आखिर में प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने कहा है कि तू भगवान की भक्ति करना छोड़ दे, नहीं तो इसी समय तेरे को मैं मार डालूंगा। उस समय प्रहलाद ने कहा है कि हे पिताश्री, मेरी रक्षा करने वाले भगवान मेरे साथ हैं, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तो उस समय हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को कहा है कि मैं अब तुझे मारने जा रहा हूँ, तू अपने भगवान को बुला ले, देखता हूँ कैसे भगवान तेरी रक्षा करते हैं। लेकिन प्रह्लाद ने कहा है कि मैं अपने प्रभु को क्या बुलाऊंगा, मेरे प्रभु तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव सर्वत्र विराजमान रहते हैं। यह वचन सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने उसको मारने के लिए अपने हाथ में खड़ग लेकर एक खंभे की ओर आंख दिखाकर प्रह्लाद को कहा है कि क्या तेरे नारायण इस खंभे में भी विराजमान हैं? उस समय प्रह्लाद जी महाराज ने कहा है कि हाँ पिताश्री, मेरे श्री नारायण भगवान इस खम्भे में भी विराजमान हैं। प्रह्लाद के यह वचन सुनते ही जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने उस खम्भे की ओर दृष्टि डाली है तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ है। नरसिंह भगवान का वह अवतार बड़ा दिव्य है। वह रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का ही था और ना ही मनुष्य का था। नरसिंह भगवान की दहाड़ को सुनकर आज हिरण्यकश्यपु डर के मारे थर थर कांपने लगा है। उस समय उसने देखा है कि ये कैसा रूप है, ये तो न मनुष्य है और न पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यपु ये सोच ही रहा था उसी समय उसके सामने नरसिंह भगवान आज खड़े हो गए हैं। उनका वह अत्यधिक भयानक रूप था, तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी, दाढ़ी बड़ी विकराल थी। उस समय हिरण्यकश्यपु सोचने लगा है कि हो ना हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है। ये सोचते ही आज हिरण्यकश्यपु हाथ में अपनी गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। लेकिन भगवान ने जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। ठीक इसी समय नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यपु को अपनी जांग पर लिटाकर नखों से उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतें माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर जा बैठे हैं। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह भगवान का क्रोध देखकर तीनों लोकों के जीव कांपने लगे उस समय सब देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा है कि आप प्रभु की स्तुति करो। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति करने से भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस समय सब देवताओं के कहने पर प्रह्लाद जी महाराज ने नरसिंह भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। उस स्तुति को सुनकर नरसिंह भगवान जी ने अपना क्रोध शांत किया है। नरसिंह भगवान जी ने अपना ये अवतार केवल प्रह्लाद जी महाराज की रक्षा करने के लिए लिया था। भगवान ने कहा है कि जब जब मेरे भक्तों पर संकट आता है तब तब मैं कोई ना कोई अवतार अवश्य धारण करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने यही अर्जुन को कहा था, तो आज यही करके दिखाया है। नरसिंह भगवान जी ने आज प्रह्लाद जी महाराज की रक्षा की है। तो इस प्रकार आपने श्री नरसिंह भगवान की अवतार की कथा को सुना है। श्री नरसिंह भगवान की जयंती की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की आपके ऊपर कृपा सदा बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री नरसिंह जी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री नरसिंह भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।